Hello, good morning students. Let's try to complete this chapter today. We'll see the example based on the probability. We have already seen the basic. आप वीडियो को देखिए, उसके आगे वाले जो बेसिक के वीडियो थे वो भी आप देख लीजिए. अगर आगे वाले वीडियो नहीं देखोगे और सीधा ही इस वीडियो पे आ जाओगे तो आपको बेसिक में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा. तो जैसे ही पार्ट 1, 2, 3 देन इट इज़ पार्ट 4. क्लियर? नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी. नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. What it says, find the probability of getting hit when a coin is tossed once. मतलब यहाँ पे देखना ये probability find करनी है of getting hit a coin is tossed once. मतलब एक ही बार coin को toss किया जाता है. Then also find the probability of getting tail. मतलब यहाँ पे conditions क्या कह दी है आपको कि you are told that कि coin जो है coin को कितनी बार toss किया जाता है. Sorry. इट इज़ कॉइन. कॉइन को कितनी बार टॉस किया जाता है? वन टाइम. प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? एक बार हेड के लिए, दूसरी बार टेल के लिए. नाउ लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट. नाउ सी, फर्स्ट इज दैट व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस. मतलब एक बार उसको कॉइन को टॉस किया जाता है. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, हाउ मेनी टोटल आउटकम्स. मतलब उसके टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 2 to the power 2. बराबर, दैट इज 2. अभी नंबर ऑफ या अदर के 2. अब 2 कौन से होते हैं? हेड एंड टेल. वी नो दैट इट कि वो 2 कौन से होते हैं. तो एक एच होता है और एक टी होता है. क्लियर? नाउ व्हाट यू आर टोल्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. बराबर, तो व्हाट इट वुड बी? सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आप उसको सिक्वेंस में लिखिएगा. मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में आप वीडियो देखते हैं उसको लिखते जाइएगा पूरा. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप. इफ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2. नाउ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. सो आई एम राइटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. राइट, याद रखना हाउ वी आर राइटिंग इट. अब उसको हम इवेंट ए बना देते हैं, दैट इज इवेंट ए. नाउ सी हाउ मेनी टोटल आउटकम्स वी हैव. देर आर 2 आउटकम्स. विच आर दे? दे आर एच एंड टी. ये 2 आउटकम में से हेड कितनी बार आता है? तो ओनली वंस. तो हमारा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कौन सा हो जाएगा? हेड वाला. तो हेड कितनी बार आता है? तो 1 टाइम. टोटल हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम. सो इट इज 1/2. हेड के लिए मैंने इवेंट उसको बोल दिया इवेंट पी ए. तो इवेंट पी ए है. सो वाई 2? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2. क्लियर? नाउ हेड कितनी बार आता है उसमें? तो 1 टाइम. सो दैट इज 1. सो 1 डिवाइड बाय 2 यू कैन कन्वर्ट इन टू डेसिमल ऑल्सो, इट इज 0.5. नाउ द सेम थिंग वी आर यूजिंग इन टेल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, दैट इज वी आर टेलिंग इट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. उसको मैं इवेंट बी बना देता हूँ. यू कैन ऑल्सो राइट इवेंट पी 1, इवेंट पी 2. राइट, ओके. वट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? देर आर 2. नाउ वी हैव एच एंड टी. वट वी आर टोल्ड? वी हैव एच एंड टी. अब ये 2 आउटकम में से एच 1 टाइम आया, तो टी भी कितनी बार आया? तो 1 टाइम. तो फेवरेबल जो टी होगा, तो टी 2 आउटकम में टी कितनी बार आता है? तो 1 टाइम. यहाँ पे आपको टी नहीं लिखना है, टी कितनी बार आता है वो लिखना है. तो इट इज 1/2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक बेसिक तरीके से उसको क्लियर कर देता हूँ मैं. सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, सपोज, बराबर. तो इसमें आप एच और टी के लिए कैसे लिखे? दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये किसके लिए. दिस इज जस्ट फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स. क्लियर? टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो टोटल वी विल राइट 6. टोटल वी विल राइट 6. अब एच कितनी बार आता है? 2 बार. तो यहाँ पे एच प्लस है, 2H नहीं लिखना है. तो एच फेवरेबल है, तो एच कितनी बार आता है? 2 टाइम. इट इज 2/3. अब उसका सिंप्लीफाई होता है क्या 2/6 का? हाँ होता है. तो 1/3. सो यू कैन राइट दैट. क्लियर? अब टी कितनी बार आता है? नाउ सी टोटल तो 6 ही रहने वाला है. ए 6 में हाउ मेनी टाइम्स टी विल कम? सो 1, 2, 3 एंड 4. इट इज 4/6. उसका सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा? 2/3. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द सम्स. नाउ सी द एग्जांपल नंबर 2. ओके, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल. ऑल द बॉल, मतलब क्या क्या है? एक रेड है, एक येलो है और एक ब्लू है. ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट द येलो बॉल रेड. नाउ यहाँ पे क्या बोला है कि एक रेड है, तो लिख देता है यहाँ पे कि एक रेड है, क्लियर. एक ब्लू है, तो एक ब्लू है, और एक येलो है, तो लिख देता है यहाँ पे भी एक येलो है. आपको करना क्या है, व्हाट यू डू, व्हाट यू हैव टू डू, इट इज व्हाट, हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर, देयर आर थ्री बॉल्स. टोटल हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, देयर आर थ्री बॉल्स, क्लियर. तो अब जो भी यहाँ से बैग में से कोई निकालेगा, बैग में से कोई भी बॉल, तो ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है. येलो बॉल, सी इट इज अ रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, ऑल द बॉल्स आर बीइंग सेम साइज, वी डोंट नीड दैट, ओके. सो तीन है. अब पहला क्या बोला है, येलो. तो करना क्या है आपको, येलो की इवेंट को मैं बोल देता हूँ तो इवेंट पी वन. येलो की इवेंट को क्या बोलते हैं, इवेंट पी वन. टोटल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि थ्री होने वाले हैं. ये तीनों में से येलो कितने हैं, तो येलो सिर्फ एक ही है, तो इट इज वन बाय थ्री. येलो के लिए क्या हो गया, इट इज वन बाय थ्री, इट इज वन बाय थ्री, क्लियर. सेम लॉजिक वी विल यूज फॉर दिस वन रेड. फॉर रेड हम रेड को क्या बोलते हैं, इवेंट पी टू. तो रेड वाली जो इवेंट है उसको बोलते थे इवेंट पी टू. नीचे का तो सेम ही रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्री ओनली. सो रेड के लिए रेड कितने होंगे, ये तीनों में से रेड कितने हैं, तो रेड भी वन है, इट इज ऑल्सो वन बाई थ्री. सो योर आंसर इज ऑल्सो वन बाई थ्री. क्या आप ब्लू के लिए भी फाइंड कर सकते हो, तो ब्लू भी इतना ही होगा पी थ्री. ब्लू वाले कितने हैं, तो वन है. कितने में से, थ्री में से, क्लियर. दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल. मान लो इस क्वेश्चन को हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि पांच रेड है, तीन येलो है, तीन येलो है एंड दो ब्लू है. अब इसको फाइंड करते हैं. नाउ सी द टोटल, मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से दूसरा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि पांच रेड है, थ्री येलो है एंड दो ब्लू है. टोटल कितने हुए, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस टू टेन, तो टेन, देर आर टेन टोटल. टोटल हाउ मेनी, टेन. अब रेड के लिए कितने, तो देखो रेड की फाइंड करते हैं, तो हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, फाइव आउट ऑफ टेन. तो आउट ऑफ टेन ही रहेगा हर में, तो ये क्या होगा, वन डिवाइड बाई टू, इट इज वॉट, वन डिवाइड बाई टू. आर यू गेटिंग द पॉइंट. नाउ सी इफ यू आर गोइंग टू फाइंड ऑफ येलो, तो येलो सी हाउ मेनी येलोज आर देयर, थ्री आउट ऑफ टेन, टेन इट इज जीरो पॉइंट थ्री, क्लियर. नीचे वाला तो टेन ही रहेगा क्योंकि आप वो टेन में से तीन येलो निकाल रहे हो ना. नेक्स्ट इफ यू आर गोइंग टू फाइंड ब्लू, देन वॉट, सी ब्लू हाउ मेनी ब्लूज आर देयर, टू आउट ऑफ टेन इट इज वन डिवाइड फाइव, इट इज वन डिवाइड फाइव, क्लियर. ओके लेट्स मूव ऑन द थर्ड एग्जाम्पल. ओके सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर. नाउ सी यहां से आपको क्लियर हो जाना है, इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस देन हाउ मेनी टोटल आउटकम, सिक्स, विच आर दे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दे आर outcomes and number of outcome is what, 6. So total number of outcomes what, 6. So number greater than 4. Now see number greater than 4. Total number greater. Now see it is 4. It is not greater than 4. It is equal to 4. So isko count nahi karna hai. Number greater than 4. There are 5 and 6. So yahan pe aapko 5 and 6 nahi likhna hai. So greater than 4. तो ऐसे कितने नंबर मिलते हैं, तो वी आर गेटिंग टू नंबर्स आउट ऑफ सिक्स नंबर्स. सो योर आंसर इज वन अपॉन थ्री. नंबर्स विच आर ग्रेटर देन फोर, तो उसमें फोर इंक्लूड नहीं होगा, वी विल इंक्लूड फाइव एंड सिक्स ओनली. क्यों सिक्स तक स्टॉप हो गए हम, क्योंकि डाई था, एक बार उसको हमने थ्रो किया, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. If it is a rolled once, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total number of outcomes are 6. Okay. So, number which are greater than 4, तैसे कितने number मिलते हैं? 5 and 6. So, दो number मिले. Number of outcomes are 2. Right? So, 2 by 6, it is 1 upon 3. Now, let's see the another one. What is that? See, it is written there. Sorry. What is the probability of getting a number less than or equal to 4? Now see the condition. If it is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. What you are told, the total number of outcomes are 6. Already we know that total number of outcomes are 6. Clear? The total number of outcomes are 6. Now what we are told,
लेस देन और इक्वल, इक्वल बोला है मतलब फोर इंक्लूड होगा, और लेस देन दैट, दैट मीन्स वन टू थ्री, तो टोटल कितने हुए ये वन टू थ्री फोर. See, these are less than 4 and that is equal to 4. So, how many they are? 4. 1, 2, 3 and 4. So, it is 4. Now, if you will simplify, simplify ho sakta hai, toh hum usko karenge, toh kya ho jayega? 2 divide 3. 2 divide 3. Clear? Okay. Now, see the fourth example. One card is thrown. Yesterday, we have seen the theory based on the cards. One card is thrown from a well-shuffled pack of 52 cards. Calculate the probability that card will be an ace card. Clear? So now we have seen that total they are 2 to 9 number card, 3 face card and 1 ace. In every 13 there is 1 ace card. Clear? So we are talking about this ace. Okay, so what is that? We are talking about 52. So simple see ki how many cards we are taking right now. Simple see baat hai, how many cards we are taking right now? 52 cards. So wo 52 card mein kitne ace honge? To 4 ace honge. 4. पता है ना फोर कैसे, दो रेड के दो ब्लैक के. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, दिस इवेंट प्रोबेबिलिटी वी विल राइट दैट इवेंट पी वन इक्वल टू पी वन. टोटल हाउ मेनी कार्ड्स 52, हाउ मेनी एस 4, इट इज 1/13, इट इज 1/13. सिंप्लीफाई यू कैन डू इट, 4 1 4 एंड 13 4 52. क्लियर? नाउ अब नीचे ये भी हमने देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप पहले जाके आगे वाले पार्ट देख लीजिए, बाद में ये पार्ट देखिए, तो भी आपको एक बेसिक बना रहेगा आपका. सो इट इज सी, दिस इज एन इवेंट बराबर बी एन एस. नाउ इट इज नॉट बी एन एस, तो ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई. तो इसके मतलब इसका ही यूज करके आप आगे लिखो, इफ द इवेंट बी एन एस दैट इज 1/13, नाउ वॉट इज दैट नॉट बी एन, दैट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. What we are telling that it is its complementary. तो ये उसकी क्या हो जाएगी, complementary. अब complementary होगी तो क्या होगा, तो हम उसको 1 में से subtract कर देंगे. 1 minus 1 upon 13, it is 13 ones are 13, 13 minus 1 divide by 13, that is 12 divide by 13. आपको उसको फिर से कैलकुलेट नहीं करना है कि नहीं है. तो अगर ऐसा भी करना है, चलो आप मान लो कि ऐसा मान लो कि 52 में एस कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, तो बाकी के जो नहीं होते वो कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 48. कैसे 48, 52 में से आप 4 माइनस कर दो, तो 48 जो होते हैं, जो एस कार्ड नहीं होते, डिवाइड बाय 52, इट इज 12 4 जा एंड 13 4 जा 12 बाय 13 आ गए. लेकिन हम सीधा कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही कंसेप्ट यूज करेंगे. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 5. टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेयर टेनिस टेनिस मैच. इट इज known that the probability of Sangeeta winning the match, Sangeeta winning the match probability, हम उसको event PE बोलते थे, that is 0.62. Now what is the probability that Reshma winning? Now यहाँ पे समझने जैसी बात है कि Sangeeta winning, that means Reshma losing the match. अगर एक win होता है तो दूसरा loss करेगा. Clear? तो what is the probability that Reshma winning? तो उसकी क्या हो जाएगी, complementary हो जाएगी. एक बार आप बोल रहे हो संगीता विन करे, दूसरी बार बोलते हो रेशमा विन करे. जब संगीता विन करती है तब रेशमा विन नहीं करती है, तो संगीता विन रेशमा डजेंट विन. नाउ संगीता रेशमा विन देन संगीता डजेंट विन. तो संगीता की ये विन की है, अगर रेशमा विन कर रही है तो संगीता डजेंट विन है. क्लियर? तो 0.62 उसको हमको माइनस करना है 1 में से. यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, अगर टू डिजिट है तो पॉइंट तो आपको रखना ही है, 1 पॉइंट में तो कुछ भी नहीं लिखना. 62 उसको 100 में से माइनस करिए, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसको 10 में से माइनस करिए, अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट है उसको 100 में से माइनस करिए, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है उसको 1000 में से करिए. तो यहाँ पे 0.62 है, पॉइंट तो आपको रख ही देना है, 0.62 उसको 100 में से माइनस करता हूँ तो आ जाएगा 0.38. सो योर आंसर इज 0.38. मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सपोज मेरे पास 0.7 है, 0.77 है एंड 0.101 है. क्लियर? अब उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो मैं उसको 0 पॉइंट लिखने के बाद जो डिजिट है एक डिजिट है तो मैं 10 में से माइनस करूंगा, इट इज 0.3. यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है 0.77, तो उसको 100 में से माइनस करूंगा, दैट विड बी 23. पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम उसको माइनस करेंगे 1000 में से. नाउ 1000 माइनस 100 दैट इज
हाउ मेनी 999 899 बराबर इट वुड बी 899 सो इट्स इट ओके 0.899 ओके नाउ सी द सम नंबर 5 एग्जांपल नंबर 5 सविता एंड हमीद आर फ्रेंड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे ऑन द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर मतलब यहाँ पे ये लीप ईयर नहीं ले रहे हैं हम नॉर्मल ईयर की बात करें नॉर्मल ईयर है हाउ मेनी डेज 365 तो 365 डेज और लीप ईयर में कितने होते हैं तो 366 क्लियर नाउ सी सेम बर्थडे अब इसको मैं पहले फाइंड नहीं करूँगा मैं इसको फाइंड करूँगा द सेम बर्थडे होता है तो पूरे 365 डेज में से एक ही दिन ऐसा होगा मान लो कि कोई भी डेट है 365 में से कोई भी एक डे है जो सेम होगी दोनों के लिए तो दैट इज व्हाट 1/365 डायरेक्टली वी कैन टेल दैट कि 365 में से एक दिन होगा वो सेम होगा दैट इज 1/365 तो आ गया दोनों का 1/365 अब प्रॉब्लम क्या रहता है यहाँ पे डिफरेंट बर्थडे नाउ सेम बर्थडे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है डिफरेंट बर्थडे रिगार्डिंग माई पॉइंट डिफरेंट बर्थडे दैट इज सेम बर्थडे दैट इज 1/365 नाउ डिफरेंट बर्थडे तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हुई तो 1/365 हो जाएगा 364 डिवाइड बाय 365 क्योंकि एक दिन तो जो होगा वो दोनों में सेम होगा बाकी 364 डेज हो सकते अलग अलग हो सकते क्लियर हो रहा है दिस इज एन इवेंट दिस इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर इसको इवेंट बोलते हो तो ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई क्लियर है सेम बर्थडे मतलब कोई एक ही दिन हो मान लो कि आज की डेट गिन लेते हैं आज की डेट है 8 अप्रैल 2020 365 डेज है 2020 तक एक तो लीप ईयर है तो मान लो कि आज उनका बर्थडे सेम टू सेम है तो पूरे 365 डे में से आज का ही दिन ऐसा हुआ कि जो दोनों का बर्थडे सेम आ रहा है तो दैट इज वन कितने दिन हुए ऐसे तो 1/365 और अलग अलग हो सकते हैं यस इसके चांसेस कितने तो 364 क्लियर नाउ सी एग्जांपल नंबर 7 ये सिर्फ डेट टाइप बहुत ज्यादा है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 40 क्लियर क्लास 10 ऑफ द स्कूल 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर शी राइट्स द नेम ऑफ ही स्टूडेंट्स ऑन अ सेपरेट कार्ड मतलब कितने कार्ड हो जाएंगे तो सोचो यहाँ पे 40 स्टूडेंट है तो सेपरेट कार्ड पे सबका नाम लिख देती है लिखेगी ना जिमित का नाम लिखेगी फिर व्रज बराबर सबका नाम लिखेंगे फिर भव्य का भी नाम लिखना पड़ेगा बराबर मिहिर का भी नाम लिखना पड़ेगा सबका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो सबके नाम अगर किसी का नाम नहीं आता आई एम रियली सॉरी जय का भी नाम लिखना पड़ेगा वहाँ पे तो ऐसे 40 कार्ड्स होंगे ऐसे कितने कार्ड्स होंगे तो 40 कार्ड्स होंगे तो सौम्य का नाम रहेगा अभी सौम्य का नाम भी आएगा तो ऐसे 40 कार्ड्स फिर मीत पटेल सबके नाम आएंगे राइट सो क्या होगा तो 40 सेपरेट कार्ड्स हो गए तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 40 क्लियर सो व्हाट वी आर डूइंग देन शी पुट्स अ कार्ड इन द बैग एंड उसमें से कोई एक ही निकाल रही है द रेंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन का मेन रूट क्या है तो देखो देर आर 40 कार्ड्स उसमें से 25 है जो वो गर्ल्स हैं एंड 15 है वो बॉयज है अगर कोई गर्ल का नाम निकला तो ये 25 में से ही निकलेगा अगर कोई बॉय का निकला तो ये 15 में से ही निकलेगा तो क्या करना है आपको सी व्हाट यू विल डू अगर पहली इवेंट की बात करें वो गर्ल की तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर 25 आउट ऑफ व्हाट 40 सिंप्लीफाई हो सकता है 5 5s and 8 5s दिस इज योर आंसर 5/8 Now, if it is a card of a boy, how many boys are there? 15. Out of how much? 40. See, it is 5 3s and 5 8s. Clear? Very simple and common question. See the next example. A box. ऐसा मैंने आपको एक समझा दिया है. Okay? So, this will be your homework. आप इसको करिए. आ जाएगा आपको. Clear? Okay. Then, we have skipped. Okay. टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली मतलब दो कॉइन अब यहाँ पे देखने की इफ अ कॉइन समझना इफ अ कॉइन यू आर टॉसिंग इट टू टाइम्स देन फोर आउटकम्स विल बी देयर एंड टू कॉइन्स समझना इसको टू कॉइन्स वन टाइम वन कॉइन टू टाइम्स एंड टू कॉइन वन टाइम सेम ही हुआ वो भी फोर मिलेंगे तो क्या बोल रहा है टॉस इज टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली एक रुपये या दो रुपये का कोई भी कॉइन है What is the probability that at least head? See, that is at least क्या होता है मिनिमम एक मैक्सिमम
होने चाहिए जितने भी होते हैं. सो मान लो ये क्या हुआ, टू डिफरेंट वन टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फोर. कितने कौन से फोर हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ वो कौन से फोर हो गए. तो देखो, एक तो एच 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 टी टी एच टी टी, बोल क्या रहा है, एटलीस्ट वन हेड. तो देखो चार तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए फोर, अब एटलीस्ट वन हेड तो एक आना चाहिए. दो आते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक तो होना चाहिए. जैसे हमारा है ना कि एटलीस्ट यू हैव गेट 35 मार्क्स टू पास इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो 35 तो आने चाहिए. अब 35 से ज़्यादा आते तो भी आप पास ही हो, लेकिन 35 तो आने ही चाहिए. एटलीस्ट वन मतलब वन तो होना ही चाहिए, जीरो नहीं चलेगा, वन तो होगा. राइट, आप 35 का एग्जाम्पल लेके समझ ले कि एटलीस्ट 35 मार्क्स यू हैव टू गेट इट. राइट, सो इट इज फोर. सो एच एच इसमें एक बार आ जाता है, यस. एस टी एक बार आ जाता है, यस. टी एच आ जाता है, यस. इसमें आता है, नहीं. तो वी विल काउंट दिस थ्री ओनली. सो इट इज नथिंग बट 3/4. योर आंसर इज 3/4. क्लियर? नहीं पता चलता तो फिर से आप उसको देखिए, पता चल जाएगा. 10 और 11 वी हैव स्किप्ड इट. सी 100 शर्ट विच ऑफ, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, तो देर आर 100 टोटल शर्ट्स. विच 88 आर गुड, मतलब 88 है वो गुड, अच्छी कंडीशन वाले. 8 है माइनर, मतलब 8 जो है वो माइनर डिफेक्ट वाले हैं. बराबर. 4 मेजर डिफेक्ट, तो 4 है जो मेजर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. ओके, द ओनली रिजेक्ट द शर्ट, द शर्ट्स बिल, वन शर्ट इज डन फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रॉब्लम. नाउ सी, अब क्या आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. चलो ये तो लिख दिया, टोटल 100 आ गए, वो भी पता चल गया. दो फ्रेंड है यहाँ पे, देखना क्वेश्चन को. जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, ओनली गुड, जो सही होगे मतलब अच्छा है वो इसको ही एक्सेप्ट कर रही है. तो देखो टोटल कितने थे, 100. हम जिमी के लिए फाइंड कर रहे हैं, टोटल कितने थे, 100. सिर्फ गुड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गुड शर्ट वी विल राइट ओनली. सो नंबर ऑफ गुड शर्ट कितने हैं, तो 88 आउट ऑफ तो 100 ही रहने वाला है, तो 88 अपन 100 हो गया. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. नाउ अब दूसरी बात किसकी आती है, सुजाता, इट्स अ ट्रेडर. Then we'll only reject the shirt. Reject कर रही है. Now accept क्या करेगी, देखो reject the shirt we have major, मतलब major वाले ही reject कर रहे हैं, मतलब she is accepting good and minor. बराबर, तो क्या होगी, तो देखो नीचे 100 तो आने वाले हैं, तो वो एक good वाले प्लस माइनर वाले वो दोनों एक्सेप्ट करें, क्योंकि रिजेक्ट किसको कर रही है, मेजर को. तो गुड वाले कितने थे, तो 88 एंड वो कितने हैं, तो 8 है. Out of how much? 100. So the probability is 96 divided by 100. What is 96 divided by 100? 0.96. Clear? So these are example. Thank you so very much. आप उसको बार बार revise करिए. मैं इसकी 15.1 की homework sheet आपको as a PDF दे दूंगा, आपको उसको solve करना है. जैसे ही वो solve हो जाती है, उसके doubts सारे clear हो जाता है, then we will complete this chapter. Thank you so very much. Have a nice day.